ओके वी हैव फोर फिंगर्स इन ईच हैंड, हमारे पास में फोर फिंगर्स होती हैं एक हैंड में और एक थंब होता है. ओके ओके वी हैव टू हैंड्स, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि हम लोग के पास तो दो दो हाथ होते हैं. ऑन ईच हैंड वी हैव फोर फिंगर्स एंड अ थंब, हमारे पास में फोर फिंगर्स होती हैं और एक थंब भी होता है. थंब एंड फिंगर्स हेल्प अस टू मेक ग्रिप, जब हमें ग्रिप बनानी होती है पकड़ बनानी होती है, मजबूत पकड़, तो हम इन सब का यूज़ करते हैं, अपनी थंब का यूज़ करते हैं और अपनी फिंगर्स का भी यूज़ करते हैं साथ में, है ना. थिंग्स दैट कैन बी डू विद आर हैंड्स आर, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने हाथों से करते हैं. अपने दिमाग में खुद से सोचो कि हम लोग अपने हाथों की मदद से क्या क्या कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, अपने हैंड की हेल्प से करते हैं ना. कुछ भी चीज़ अगर हमें फेंकनी है कोई चीज़, तो किसकी हेल्प से करते हैं, हैंड की हेल्प से करते हैं. हेयर वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स एंड सम थिंग्स वी कैन डू विद आर हैंड्स, राइट. फर्स्ट वन वी कैन सी हेयर ईट, दैट इज दिस थिंग ईट. ओके तो हम लोग कभी भी कुछ भी खाना खाते हैं तो हम लोग किसकी हेल्प से खाते हैं, बताइए, हाथों की हेल्प से खाते हैं. अगर हम हाथ से नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे खाना खा पाएंगे, है ना. होल्ड, वी कैन होल्ड ईच थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, राइट. हम लोग जब भी कोई चीज़ उठाएंगे या फिर उसको पकड़े रहेंगे, होल्ड करेंगे, तो आप किसकी हेल्प से करोगे होल्ड, अपने हैंड की हेल्प से करोगे. देखिए और भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कि हम लोग ज़मीन में कुछ गिर जाता है, मान लीजिए हमारे पेंसिल गिर गई या हमारा कोई बॉक्स गिर गया, तो हम किसकी हेल्प से उसको उठाते हैं, किसकी हेल्प से उसको पिक करते हैं. वी कैन पिक थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आर हैंड, हम लोग चीज़ों को उठाते हैं हैंड की हेल्प से. ओके वी पिक मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आर हैंड. ओके वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ हैंड. ओके हम लोग अपने हाथों से लिखते भी हैं. वी कैन राइट मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आर हैंड. ओके ओके नाउ हेयर वी कैन सी नेक्स्ट बॉडी पार्ट, दैट इज नीज. आर नीज हेल्प अस टू बेंड. एज यू ऑल नो, जब अभी हम लोग का बैगलेस डे था तो हम लोगों ने बहुत सारे योगा पीटी एक्सरसाइजेस की थी, राइट. आप लोगों को याद है, हाँ. तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अपनी नीज की हेल्प ली थी, क्योंकि हम लोग को कई एक्सरसाइजेस में बेंड होना पड़ रहा था और हम किसकी हेल्प से बेंड हो सकते हैं, नीज की हेल्प से. ओके आर नीज हेल्प अस टू बेंड, हम लोग झुक सकते हैं अपने नीज की हेल्प से. ओके नेक्स्ट वन इज टोज एंड फीट, ये सब किस में होते हैं, लेग्स में होते हैं, राइट. हम लोग के पैरों में टोज होती हैं, जो पैरों की फिंगर्स होती हैं ना, उंगलियां होती हैं, उनको हम टोज बोलते हैं, और जो पंजा होता है उसको हम फीट बोलते हैं. ओके अब देखिए यहाँ पे वी हैव टू लेग्स, हमारे पास दो पैर हैं, टू फीट हैं. भाई जब हमारे पास दो पैर हैं तो हमारे पास दो ही तो फीट भी होंगे, पंजे भी होंगे, एंड 10 टोज, और हमारे पास में 10 उंगलियां होती हैं पैरों में, राइट. आप अपनी अपने लेग की जो उंगलियां हैं वो काउंट करो एक एक करके, 1 2 3 4 5 5 इन वन लेग. ओके एंड द अनदर वन हैव 1 2 3 4 5. ओके सो 5 + 5 दैट इज 10. सो वी हैव 10 टोज दैट हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, किक एंड डांस एक्सेट्रा. ये सब हमारी हेल्प किस में करते हैं, खड़े होने में हेल्प करते हैं, या फिर चलने में हेल्प करते हैं, या फिर हमें किसी चीज़ को किक करना होता है. बास्केट, हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग किसकी हेल्प से किक करते हैं, बताइए, अपने लेग की हेल्प से ही तो करते हैं. जब हमें डांस करना होता है तो हम लोग के पैर कितने ज़्यादा हेल्प करते हैं ना हमारे डांस में. तो इन सब की हेल्प से हम लोग इन सब ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, चलना और किसी चीज़ को किक करना, खड़े होना, डांस करना, ये सब हम लेग की हेल्प से करते हैं. सो वी हैव टू लेग्स, टू फीट, टू टोज, दे हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, किक एंड डांस एक्सेट्रा. ओके ओके नाउ वी कैन सी थिंग्स दैट वी कैन डू विद आवर लेग्स,
राइट, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने पैरों की हेल्प से करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें करते हैं आप लोग जानना चाहते होगे ना कि हम लोग किस कौन कौन सी चीज़ें अपने पैरों से कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो और वो करते भी हो सारी एक्टिविटीज़, बस आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे हम लोग दौड़ते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग, पैरों की हेल्प से करते हैं। जम्प, वी कैन जम्प विद द हेल्प ऑफ आर लेग्स, राइट, एंड वी कैन डांस विद द हेल्प ऑफ आर लेग्स, वी कैन किक द बॉल्स और फुटबॉल्स विद द हेल्प ऑफ आर लेग्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थिंग्स दैट वी कैन डू यूजिंग बोथ हैंड्स एंड लेग्स। अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो हम अपने हाथों की हेल्प से और अपने पैरों की हेल्प से, दोनों की हेल्प से हम लोग करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखो, जब हम क्रॉल करते हैं अपनी ज़मीन पे, हम लोग हाथों के बल पे, पैरों के बल पे चलते हैं ना जब, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। ओके, तो वो क्रॉलिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं? हैंड और लेग दोनों की हेल्प से करते हैं। एक्सरसाइजेस, देयर आर सो मैनी एक्सरसाइजेस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड लेग बोथ, राइट। हम लोग दोनों की हेल्प से हम लोग ये सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट भी हम स्किपिंग, जब हम स्किप करते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? अपने हैंड का भी यूज़ करते हैं और अपने लेग्स का भी यूज़ करते हैं। हम लोग अपने हैंड को राउंड राउंड घुमाते भी हैं और लेग से हम लोग जंप करते हैं स्किपिंग में, राइट। आप लोग स्किपिंग करके देखना और फिर सोचना कि हाँ, हम लोग तो दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, अपने हैंड्स का भी यूज़ कर रहे हैं और अपने लेग्स का भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। स्विम, स्विम में भी हम लोग दोनों बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स का भी और अपने लेग का भी। लेग से भी हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं और अपने हैंड्स को तो हम लोग राउंड 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 घुमाते हैं। तो वैसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन